हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब चैनल। फार्मर ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे महासेप टैबलेट के बारे में। तो हम सीखेंगे उसके बेसिक यूज़ के बारे में कि कौन से अलग अलग मेडिकल कंडीशंस के अंदर ये मेडिकेशन को यूज़ की जाती है, साथ ही जानेंगे कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह क्या होते हैं, फिर उसके डेली डोज वगैरह क्या होते हैं और कौन से वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस रहेंगे ये मेडिकेशन को यूज़ करने पर। तो डिटेल स्टडी करते हैं ये मेडिकेशन की आज के लेक्चर के अंदर। द एक्सपर्ट लेक्चर बाय मर्सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मरॉक्स। थैंक यू फॉर बीइंग फार्मरॉक्स फैमिली। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ। एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर फार्मरॉक्स के ऊपर। अब आप डिसीज एंड मेडिसिन रिलेटेड कोर्स भी एक्सेस कर सकेंगे, वो भी अफोर्डेबल प्राइस के अंदर, कि जिसके अंदर आप दवाइयों की जो जानकारी है वो पाएंगे सरल भाषा में, वो भी एक साल तक अफोर्डेबल प्राइस के अंदर, कि जहाँ पे आप सीखेंगे मेडिसिन के बेसिक यूज़ के बारे में, उनके डोज, साइड इफ़ेक्ट एंड वार्निंग्स वगैरह के बारे में। तो डाउनलोड करिए फार्मरॉक्स और एक्सेस करिए ये कोर्सेज को। कोई भी क्वेरी होने पर ये नंबर पे आप व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं। तो एंड्रॉयड यूज़र एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो अब जो है वो हमारा कॉन्सेप्ट समझते हैं आज का लेक्चर का। तो महासेप टैबलेट के बारे में जो हम स्टडी करेंगे, तो ये टैबलेट जो है वो एंटीबायोटिक मेडिकेशन है कि जो बहुत सारे अलग अलग बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है, कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया के कारण होने वाला बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसके मैन्युफैक्चरर्स के बारे में देखें तो मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल उसके मैन्युफैक्चरर है, कि यहाँ पर आप देखो मैनकाइंड का लोगो भी देख सकते हैं और कंपनी की डिस्क्रिप्शन देख पाओगे आप कि मैनकाइंड फार्मा जो है वो ये मेडिकेशंस को जो है वो मैन्युफैक्चर करता है। इसके अंदर जो मेन जो कोई दवाई है तो वो है सेफिक्सिम एंटीबायोटिक ड्रग है, और ये दो अलग अलग स्ट्रेंथ के अंदर अवेलेबल है, कि एक है उसके 100 मिलीग्राम के टैबलेट और दूसरे 200 मिलीग्राम के टैबलेट की, जिसको महासेफ 100 एंड महासेफ 200 जो है वो कहा जाता है। तो मैनकाइंड फार्मा के बारे में हम समझे तो मैनकाइंड फार्मा जो है वो इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी है, कि जिसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है, और मैनकाइंड जो है वो अलग अलग एंटीबायोटिक्स डिज़ाइन करता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक रिलेटेड टैबलेट्स, सस्पेंशंस वगैरह उनके होते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम और इरेक्टाइल डाइफंक्शंस रिलेटेड मेडिकेशंस जो है उनके अलग अलग प्रोडक्ट के अंदर इंक्लूडेड है। तो महासेफ 100 वर्सेस 200 में डिफरेंस एक ही है। तो महासेफ 100 के अंदर सेफिक्सिम एंटीबायोटिक है, कि जिसकी स्ट्रेंथ रहेगी 100 मिलीग्राम, कि यहाँ पे जो मेडिकेशन है वो है 100 मिलीग्राम, और समझो कि आप महासेफ 200 यूज़ करते हैं तो उसके अंदर मेडिकेशंस रहती है 200 मिलीग्राम। तो डिफरेंस सिर्फ मिलीग्राम का ही है, कि 100 का मतलब होता है 100 मिलीग्राम टैबलेट्स और 200 का मतलब होता है 200 मिलीग्राम्स के ये टैबलेट। अब समझते हैं सेफिक्सिम क्या है। तो सेफिक्सिम जो है एक एंटीबायोटिक मेडिकेशन है, कि जिसको हम सेफालोस्पोरिन क्लास का एंटीबायोटिक मेडिकेशन कहते हैं, और ये थर्ड जनरेशन सेफालोस्पोरिन एंटीबायोटिक मेडिकेशन है, कि जो क्या करती है बैक्टीरिया को किल कर देगी, उनके सामने पहले फाइट बैक देता है, और फाइट बैक देने के बाद ये जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं, कि जो अलग अलग डिसीज एंड डिसऑर्डर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, उनको किल करके अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन देती है, और ये बहुत सारे अलग अलग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करता है। तो सेफिक्सिम के टैबलेट्स भी अवेलेबल होते हैं और साथों साथ उनके सस्पेंशन भी अवेलेबल होते हैं। तो महासेफ जो टैबलेट है उसका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेफिक्सिम के डिस्पर्जिबल टैबलेट 100 मिलीग्राम, उसी तरह से उसका सेफिक्सिम का सस्पेंशन भी आता है, कि जो मैनकाइंड ही उसको बनाती है, कि जो महासेफ सस्पेंशन जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। अब ये मेडिकेशन की बात करें तो ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन है, मतलब कि प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही आप उसको यूज़ कर पाओगे, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है RX, और RX का मतलब होता है प्रिस्क्रिप्शन बेस से ही आप उसको यूज़ कर सकते हैं, कि डॉक्टर की सलाह के बिना कभी भी उसको नहीं लेनी चाहिए। बिकॉज इसके ऊपर भी आप लाल लकीर देख सकते हैं, कि यहाँ पे आप देखो ये रेड लाइन, और रेड लाइन का मतलब होता है कि ये दवाइयाँ एंटीबायोटिक्स है या फिर ऐसे मेडिकेशन से, कि जो प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही आपको यूज़ करनी है, और
मेडिकल सुपरविजन में ही उनको यूज़ किया जाता है। तो ये खास ध्यान रखें, सेफेक्सिम में भी आपको ये रेड लकीर जो है वो देखने को मिलेगी, कि जिसको हम कहते हैं कि प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही यूज़ करना है। अब समझते हैं ये मेडिकेशन के बेसिक यूज़। तो सबसे पहले जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे लंग्स के अंदर होता है और उसके कारण जो ब्रोंकाइटिस की कंडीशन फॉर्म होती है, तो उसके इलाज में ये मेडिकेशन यूज़ होती है। कि जो ब्रोंकाइटिस के हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है हमारा, कि जो लंग्स का जो पोर्शन है, ब्रोंकाई का जो पोर्शन है, कि वहाँ पे जो सूजन देखने को मिलती है, तो वो कंडीशन को ट्रीट करने के लिए ये मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की जाते हैं। फिर गोनोरिया की जो कंडीशन है, कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के अंदर गोनोरिया होता है, तो उसके इलाज में भी ये टैबलेट यूज़ किए जाते हैं। फिर समझो कि इन्फेक्शंस हुआ है ईयर के अंदर, तो ईयर इन्फेक्शन के अंदर भी सेफेक्सिम के एंटीबायोटिक टैबलेट प्रिस्क्राइब किया जाते हैं। फिर थ्रॉट इन्फेक्शन होता है आपको, किस तरह से आप देखो ये थ्रॉट इन्फेक्शन है, तो थ्रॉट इन्फेक्शन में भी यूज़ किया जाता है ये मेडिकेशन। टॉन्सिल्स के इन्फेक्शन के अंदर, कि थ्रॉट के साथ यहाँ पे आप जो टॉन्सिल्स देख रहे हैं, कि दोनों साइड के ये जो टॉन्सिल्स आप देखो, वहाँ पे सूजन देखने को मिल रही है, इन्फेक्शन देख रहे हैं आप बैक्टीरिया के कारण होने वाला, तो उसको भी ठीक करेगा ये महासेफ टैबलेट। एंड जब किसी को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, कि जिसको हम शॉर्ट में यूटीआई कहते हैं, तो यूटीआई में भी ये मेडिकेशन को यूज़ कर देते। तो बहुत सारे ये अलग अलग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अंदर यूज़ किया जाता है, कि आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर होता है, कि ब्रोंकाइटिस के अंदर होता है, लंग के अंदर इन्फेक्शन होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के अंदर भी यूज़ होता है, ईयर इन्फेक्शन में भी यूज़ होता है, टॉन्सिल्स के इन्फेक्शन के अंदर, यूटीआई के अंदर और थ्रॉट इन्फेक्शन। तो ये सभी उसके अलग अलग बेसिक यूज़ हैं। उसके डोज के बारे में अब अच्छे से समझते हैं, कि समझो कि कोई पर्सन 200 मिलीग्राम का ये टैबलेट यूज़ करता है सेफेक्सिम का, कि आप समझो कि यूज़ करते हैं महासेफ 200, तो उसका प्रॉपर डोज क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले ये समझिए कि जो एडल्ट डोज है, कि समझो कि एज जो है वो आपकी 18 ईयर्स या फिर उससे ऊपर है, और साथों साथ जो वेट आपका होना चाहिए 50 किलोग्राम या फिर उससे ज़्यादा, तो ही आप ये मेडिकेशन लेने के लिए जो है वो ठीक रहते हैं। बिकॉज अगर आपका वेट कम है और एज भी कम है, तो ये मेडिकेशंस के आपको डेंजरस साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो हो सकते हैं। तो अगर आप एडल्ट है, अबव 18 है और बॉडी वेट 50 से ज़्यादा है, तो डोज क्या रहेगा, 400 मिलीग्राम वंस अ डे। तो मैक्सिमम जो है वो आप दिन में 400 मिलीग्राम जितना ये मेडिकेशन जो है वो ले सकते हैं। मतलब कि ये टैबलेट जो है वो इस तरह से दिन में दो बार पर्सन ले सकता है मैक्सिमम डोज के अंदर, या फिर 200 मिलीग्राम एवरी 12 आवर्स की, जैसे 12 आवर का टाइम ड्यूरेशन होता है कंप्लीट, आप जो है वो दूसरा मेडिकेशन ले सकते हैं ये 200 मिलीग्राम का। मतलब कि पहला जो डोज आप लेते हैं डोज वन, और जो सेकंड डोज होता है डोज टू, दोनों के बीच में एटलीस्ट 12 आवर का जो है वो गैप होना चाहिए, कि एक जो आप टैबलेट खाते हैं ये 200 मिलीग्राम का, और ये फिर दूसरा टैबलेट खाते हैं, तो दोनों के बीच में जो टाइम होना चाहिए एटलीस्ट 12 आवर्स का। तो ये हो गया 200 मिलीग्राम एडल्ट डोज। तो ये मैक्सिमम डोज की बात है, कि जो दिन में 400 मिलीग्राम आपको डोज जो है वो मिलेगा। अगर माइनर कंडीशन है कि ऐसा ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं फैला, तो उस वक्त दो टैबलेट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, उस वक्त आप ये 200 मिलीग्राम जो है वो वंस अ डे भी ले सकते हैं। तो मतलब दिन में एक ही टैबलेट लेना भी सही रहेगा, कि जब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है बट काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन हो, उस वक्त ये दो टैबलेट जो है वो पेशेंट को दिए जाते हैं। तो मैक्सिमम 400 मिलीग्राम जितना लीजिए, और मिनिमम 200 मिलीग्राम जितना भी आप ले सकते हैं। तो ये होगा एडल्ट डोज की बात। अब चिल्ड्रन डोज की बात करें, तो वो भी 12 से 18 ईयर्स के बीच की हम बात करें, और यहाँ पे भी कंडीशन यही रहेगी, कि 12 से 18 में समझो कि आपकी एज आती है, पर बॉडी वेट जो है वो 50 किलोग्राम या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो उस वक्त जो डोज रहता है 100 मिलीग्राम ओडी या फिर 100 मिलीग्राम बीडी की। इन्फेक्शन काफ़ी कम है, तो 100 मिलीग्राम के जो टैबलेट्स आते हैं महासेफ के, वो दिन में एक ही लेना ज़रूरी है, और इन्फेक्शन ज़्यादा है तो उस वक्त 100 मिलीग्राम के जो टैबलेट है वो इसी तरह से सेम 12 आवर्स के टाइम इंटरवल पे
जो है वो लेनी चाहिए, कि डोज वन आप लेते हैं 100 मिलीग्राम और जब सेकंड डोज लेते हैं तो वो दोनों के बीच में एटलीस्ट 12 आवर्स का जो है वो डिफरेंस होना चाहिए। तो ये खास याद रखना है कि जो डोज जो है दो डोज उसके बीच में प्रॉपर 12 आवर का गैप होना चाहिए और ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि एडल्ट डोज जो है उसमें एज जो है वो खास और वेट का यहाँ पे खास ज़रूरी है कि 50 किलो से आपका वेट कम है तो उस वक्त ये मेडिकेशंस लेने से आपको कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। फिर उसके सस्पेंशन की बात करें तो पीडियाट्रिक यूज़ के लिए ये महासेफ 100 का ड्राई सिरप आता है कि जिसके साथ जो वाटर फॉर इंजेक्शन दिया जाता है इससे आप उसका सस्पेंशन जो है वो बना सकते हैं। तो ये जो है वो स्पेशली 6 मंथ से लेकर के बच्चे की एज 6 मंथ है तो वहाँ से लेकर 12 ईयर की जो एज तक के जो ग्रुप में ये मेडिकेशंस को दिए जाते हैं। तो उसका डोज हम समझे तो मिनिमम डोज रहता है 4 mg/kg/day। तो समझो कि बच्चे का वेट जो है वो 10 किलोग्राम है तो उसके लिए जो डोज बन जाएगा 40 mg, बिकॉज यहाँ पे देखो 4 mg 1 kg को देना है। अगर वेट समझो कि 10 किलोग्राम है तो ये हो जाएगा 40 mg जितना। तो 10 किलोग्राम समझो कि वेट है तो 40 मिलीग्राम जितना डोज दिन में एक बार जो है वो आप दे सकते हो और वो भी डिवाइडेड डोजेस के अंदर के। समझो कि 10 किलोग्राम का बच्चे का वेट है और डोज हुआ है 40 मिलीग्राम, तो 40 मिलीग्राम डिवाइडेड में दिया जाएगा 20 मिलीग्राम प्लस 20 मिलीग्राम। तो इस तरह से डिवाइडेड डोज में खासकर मेडिकेशंस देने से साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं और समझो कि कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले तो भी आप जो है वो मेडिकेशन को स्टॉप करवा के दूसरे मेडिकेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते। तो ये खास आपको ध्यान रखना है मिनिमम डोज की और किस तरह से उसको डिवाइडेड डोज में दिया जाता है। फिर ध्यान में रखना ये होता है कि 1 ml में कितनी ड्रग आती है तो उसके अकॉर्डिंग टू आगे जो है वो डोज कैलकुलेशन होती है। तो उसके ऊपर एक स्पेशल अलग से लेक्चर हम बनाएंगे कि महासेफ का जो ये ओरल सस्पेंशन आता है ड्राई सिरप तो उसका प्रॉपर किस तरह से डोज आगे कैलकुलेट करें तो वो एक अलग लेक्चर रहेगा स्पेशल डोज कैलकुलेशन के ऊपर। तो अभी अब आगे समझते हैं मैक्सिमम डोज क्या रहेगा, तो वो रहेगा 8 mg/kg। तो खासकर जो है वो बच्चों के अंदर मिनिमम डोज से ही ट्रीटमेंट हो जाती है, मैक्सिमम डोज अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो तो ही यूज़ किया जाता है। एंड खासकर पीडियाट्रिक डॉक्टर्स और फिजिशियन के सलाह के अकॉर्डिंग टू आपको ये लेनी चाहिए। और यहाँ पे एक डायरेक्शन रहती है कि जो सस्पेंस होते हैं उसको यूज़ करने से पहले इसकी जो बॉटल होती है उसको अच्छे से सेक करना होता है। तो अब आगे समझते हैं कि जो महासेफ के जो टैबलेट है या फिर सस्पेंशन को यूज़ करते हैं तो उसके मेकेनिज्म क्या है। तो उसके अंदर रहा जो ये मेडिकेशन सेफेक्सिम है, तो सेफेक्सिम क्या करेगा कि जैसे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक क्या करते हैं कि पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से जो है वो बाइंड हो जाते हैं जिसके कारण बैक्टीरिया जो है वो आगे अपनी सेल वॉल का सिंथेसिस नहीं कर पाते। कि यहाँ पे आप देखो कि सेल वॉल सिंथेसिस की यहाँ पे बैक्टीरिया की ये सेल वॉल दिखाई गई है, ये सेल वॉल के प्रोडक्शन के लिए जो जरूरी जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको इनहिबिट कर देती है मेडिकेशन की, जिससे आगे जाके ये सेल वॉल का सिंथेसिस जो है वो स्टॉप हो जाता है। और सेल वॉल का सिंथेसिस ना होने के कारण वो बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो इनहिबिट हो जाती है और आगे जाके वो बैक्टीरिया जो है वो किल हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह से ये मेडिकेशन जो है वो बैक्टीरिया का जो ग्रोथ होता है, जो इन्फेक्शन होता है, वो धीरे धीरे कम कर देता है। अब उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखें तो ये मेडिकेशंस लेने के बाद स्टमक अपसेट या फिर स्टमक के अंदर पेन होना, तो पेट में दर्द होना जैसे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, डायरिया हो जाते हैं कुछ लोगों को, नौसिया जैसा फील होता है उसके कारण वॉमिटिंग हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन मतलब कि कब्ज जैसा प्रॉब्लम रहता है कुछ लोगों को, फिर लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब कि खाना खाने का मन ना हो आपको, गैस जैसा हो जाता है, हेडेक हो जाता है कुछ लोगों को, डिजीनेस जैसा फील करते कि नींद आती रहे आपको, ऐसी कंडीशन फील होती है, एंजाइटी जैसा हो सकता है मतलब कि आपको चिंता हो सकती है, ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं, ड्रॉसीनेस जैसा हो सकता है, फिर नाइट में यूरिनेशन जो है वो आपका इंक्रीज होगा कि ये मेडिकेशंस लेने के बाद आपको रात में बार बार जो है वो यूरिन के लिए जाना पड़े, रनी नोज जैसी कंडीशन फील होती है, कई बार ओवरडोज के कारण
सॉर थ्रॉट, कि थ्रॉट के अंदर सॉरनेस हो जाती है, वहाँ पे छाले पड़ जाते हैं, कॉफ जैसा कुछ लोगों को फील होते हैं, या फिर लेडीज़ के अंदर वजाइनल इचिंग या फिर डिस्चार्ज भी कई बार देखने को मिलती है, कि अगर इसको ओवरडोज के अंदर एक्सेसिव लंबे समय तक यूज़ किया जाए। अब समझते उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन के, किस लोगों को, कौन लोगों को महासेप के ये टैबलेट्स यूज़ नहीं करने चाहिए। कि अगर आपको सेफालोस्पोरिन या फिर सेफामाइसिन की एलर्जी है, कि ये मेडिकेशंस लेने के बाद आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाते हैं आपकी बॉडी के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे देखो ये आँखों में सूजन आ जाना, स्वॉलन आइज जो कहा जाता है, लिप्स या फिर आपकी जो जीभ है वहाँ पे सूजन हो जाए ये मेडिकेशंस लेने के बाद, कन्फ्यूज़न जैसा आप फील करें, या फिर आपको कॉन्सियसनेस जो है वो कम्प्लीटली चली जाए, कि जो हम कहते हैं लॉस ऑफ कॉन्सियसनेस, वीजिंग जैसा आप फील करते हैं, कॉफ फील करते हैं, हाइव्स डेवलप होते हैं आपकी स्किन ऊपर, हार्ट बीट इंक्रीज हो रहे हैं, या फिर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, वॉमिटिंग्स जैसे हो रहे हैं ये मेडिकेशन लेने के बाद, तो तुरंत महासेप के टैबलेट को लेना जो है वो बंद कर देना चाहिए। बिकॉज इससे जो आपको हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन हो सकती है, कि अगर आपको सेफालोस्पोरिन की एलर्जी है तो ये खास ध्यान रखना होता है, कि अगर आपको सेफालोस्पोरिन या फिर कोई भी सेफालोस्पोरिन जैसे एंटीबायोटिक्स की एलर्जी है तो ये मेडिकेशन को यूज़ ना करें, कि जिससे आपको एनाफाइलेक्टिक या फिर एनाफाइलेक्टोइड शॉक जो है वो लग सकते हैं। और खासकर प्रिकॉशंस के साथ यूज़ करने चाहिए, कि जिनको पेनिसिलिन की भी एलर्जी है, बिकॉज ये मेडिकेशन क्या है, पेनिसिलिन की तरह ही बैक्टीरिया की जो सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। तो सिमिलर मेडिकेशंस में आते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के अंदर, तो आपको बीटा लैक्टम के किसी भी एंटीबायोटिक की एलर्जी है, हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, तो ये टैबलेट को जो है वो आपको कम्प्लीटली अवॉइड करनी चाहिए। और जब आप मेडिकेशंस यूज़ करते तो आपके डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट को खास पेशेंट काउंसलिंग के दौरान बताना चाहिए कि आपको सेफालोस्पोरिन या फिर पेनिसिलिन जैसे मेडिकेशंस की एलर्जी है। उसके वार्निंग्स के बारे में समझे, तो अगर आपको ये मेडिकेशंस या फिर उसके जितने भी अलग अलग ब्रांड्स हैं, कि महासेप के जैसे जो दूसरे अलग अलग ब्रांड है, जैसे कि सेफ्टिन करके आता है, सेफजिल है, कैफ्लेक्स है, ओमनीसेप करके आता है, तो ये अदर सिमिलर ब्रांड ही है सेफेक्सिम्स के, तो आपको एलर्जी है तो तुरंत ये मेडिकेशंस लेना बंद कर दे, और ज़रूर से आपके फार्मासिस्ट को बताए या फिर डॉक्टर को बताए, कि जिससे आपको दूसरे अल्टरनेटिव सेफ मेडिकेशन जो है वो प्रिस्क्राइब करें। दूसरे कुछ वार्निंग्स देखें महासेप टैबलेट के बारे में, तो ये मेडिकेशन को ना लें अगर आपको सीवियर स्टमक पेन हो रहा है या फिर डायरिया जैसा हो जाता है ये मेडिकेशन लेने के बाद, कि वाटरी डायरिया हो रहा है या फिर ब्लडी डायरिया, कि जब आप को दस्त वगैरह होते तो उस वक्त उसमें ब्लड आना, तो ऐसी कंडीशन होना, या फिर काफ़ी पेट दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, तो तुरंत ये मेडिकेशन को लेना बंद कर दे। फिर आपको जॉन्डिस जैसा फील हो रहा है, कि आपकी स्किन जो है वो येलो हो रही है या फिर आइज़ में येलोनेस देखने को मिल रहा है, तो तुरंत ये मेडिकेशन ना लें। तीसरी कंडीशन, कि आपकी स्किन जो है वो पेल कलर की हो चुकी है या फिर येलो विस हो रही है, यूरिन का कलर डार्क हो रहा है, आपको कन्फ्यूज़न जैसा फील हो रहा है, फिर आपकी बॉडी के अंदर काफ़ी वीकनेस आ रही है ये मेडिकेशन लेने के बाद, तो भी तुरंत बंद कर दें। सीजर्स जैसा होना, मतलब कि जिसको हम कहते हैं कन्वल्जन्स होना, तो उस वक्त भी उसको बंद कर दे। और एलर्जी है सेफेक्सिम की या फिर हाइपर सेंसिटिविटी, तो ये सभी कंडीशंस के अंदर ये मेडिकेशन को जो है वो यूज़ नहीं करते, तो उसके सेफ अल्टरनेटिव दूसरे एंटीबायोटिक्स फिर आप जो है वो यूज़ कर सकते थे। तो मेडिसिन रिलेटेड जो कोर्स है वो फार्मारॉक्स की ऐप पर अवेलेबल है, तो ज़रूर से एक्सेस करिए ये कोर्स को, कि जहाँ पे आप मेडिसिन के बेसिक यूज़ सीखे, कि जैसे हमने यहाँ पे आज महासेप टैबलेट के बारे में सीखा और उसके बेसिक यूज़ के बारे में सीखा, डोज, साइड इफ़ेक्ट्स, वार्निंग, तो ऐसे ही लेक्चर्स के PPT एंड PDF एक्सेस कर पाओगे, और उनके वीडियो लेक्चर्स भी आप एक्सेस कर पाओगे अफोर्डेबल प्राइस में फार्मारॉक्स की ऐप पर। तो डाउनलोड करिए फार्मारॉक्स, एंड्रॉइड यूज़र एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें, आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर ये नंबर पे कांटेक्ट करके भी आप लिंक जो है वो पा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक्स दे दिए हैं, तो स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर के लिए डाउनलोड करिए फार्मारॉक्स, एंड्रॉइड यूज़र एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें, आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से, लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।